हेलो फ्रेंड्स, 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 14 मार्च 2020 को हुई है। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में बहुत से मुख्य फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे मुख्य फैसला जो लिया गया है वो है डिले पर इंटरेस्ट चार्ज करने का। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज ऑन द नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 लॉ टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स, आज की डेट में यदि आप GST 3B को लेट फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन GST ऑफिसर कहता है कि आपको ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करना है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब GST काउंसिल ने डिसाइड किया है कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो नेट टैक्स लाइबिलिटी पर ही पे करना है, यानी कि जो अमाउंट आप कैश लेजर के द्वारा पे करेंगे यह प्रोविज़न बैक डेट से अमेंड की जाएगी GST एक्ट में, यानी कि 1 जुलाई 2017 से। फ्रेंड, दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, यदि किसी व्यक्ति की GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती थी तो वो रिवोक करवा सकता था, यानी कि रिस्टोर करवा सकता था। इसके लिए 30 दिन का टाइम था। अब प्रोविज़न दी गई है, वे रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसल्ड टिल 14th मार्च 2020, एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी फाइल्ड अप टू 30th जून 2020। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ एप्लीकेशन एज वन टाइम मेजर टू फैसिलिटेट दोज हु वांट टू कंडक्ट बिजनेस। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था और वो उसे दोबारा से रिस्टोर करवाना चाहता है तो अब वो 30th जून 2020 तक अप्लाई कर सकता है, यदि उसकी रजिस्ट्रेशन 14th मार्च 2020 तक कैंसिल की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, GSTR 9 और 9C के लिए जो ड्यू डेट दी गई थी फाइनेंशियल 18-19 के लिए रिटर्न को फाइल करने की, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है GST काउंसिल के द्वारा। यह डेट अब 30th जून 2020 कर दी गई है। फ्रेंड्स, एक और रिलैक्सेशन दी गई है, यदि किसी व्यक्ति की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती थी तो उसे GSTR 9C यानी कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती थी, ऑडिट कराना होता था। अब GST काउंसिल ने यह रिलैक्सेशन दी है कि यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो उस टैक्स पेयर को GST एक्ट के अंदर GSTR 9C को फाइल नहीं करना है फाइनेंशियल 18-19 के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप GSTR 9 या फिर GST 9C को लेट फाइल करते थे तो आपको लेट फाइलिंग फ़ीस पे करनी होती थी। अब इस केस में भी रिलैक्सेशन दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से नीचे है तो फाइनेंशियल 17-18 और फाइनेंशियल 18-19 के लिए यदि वो GST 9 या GST 9C को लेट भी फाइल करेगा तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है। फ्रेंड, सरकार नई स्कीम लेके आ रही है, यानी कि नो योर सप्लायर। आज की डेट में यदि आपको किसी सप्लायर से डील करना है तो उस केस में क्या वो GST एक्ट के कंप्लायंस कर रहा है या नहीं, इसके बारे में आपको पता नहीं होता है तो इसके लिए नई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाद के टैक्स पेयर के बारे में पता लगाया जा सकता है कि उसका GST एक्ट के अंदर कंप्लायंस स्टेटस क्या है, क्या वो GST एक्ट के अंदर रेगुलरली अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं। इसके अलावा फ्रेंड, GSTR 1 का वेवर दिया जाएगा, यानी कि GST एक्ट के अंतर्गत आपको आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 1, जिसमें कि आप अपनी सेल डिटेल दिखाते हैं। यह फाइनेंशियल 19-20 के लिए फाइल करने की आवश्यकता नहीं है उन टैक्स पेयर को जो कि GST एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाए थे एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति कॉरपोरेट डेटर है और कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है तो वो GST एक्ट की प्रोविजन को कंप्लाई कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोसीजर नोटिफाई करेगी। फ्रेंड्स, GSTR 3B के केस में एक्सटेंशन दी गई है, जिन व्यक्तियों का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है उन्हें जुलाई 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक के लिए GSTR 3B को फाइल करने के लिए एक्सटेंशन दी गई है। वे अपनी GSTR 3B 24th मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार के एक्सटेंशन GSTR 1 और GSTR 7 के लिए दी गई है इन टैक्स पेयर के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्योंकि नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम अभी डेफर किया गया है इसलिए एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है, यानी कि GSTR 1 को फाइल करने का और GSTR 3B को फाइल करने का, वो सितंबर 2020 तक चालू रहेगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत नई रजिस्ट्रेशन लेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन ना कर सके, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। GST काउंसिल के द्वारा कहा गया है कि नई रजिस्ट्रेशन के केस में व्यक्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, प्रिमसी चेक की जाएगी, फाइनेंशियल KYC चेक किया जाएगा,
और उसके बाद ही वो इनपुट एज क्रेडिट को पास ऑन कर पाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो नकली इनवाइसिस हैं उनको बनने से रोका जा सके। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न ले सकती है, इसलिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो बैंक से इन्फॉर्मेशन रिटर्न मांगेगी। इसके अलावा एक्सपोर्टर को रिफंड दिया जा सके, इसके लिए उनका रिफंड क्लेम की बंचिंग की जाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, ई इनवाइसिंग और क्यूआर कोड पर भी डिसीजन लिया गया है। कुछ क्लासेस होंगी रजिस्टर्ड व्यक्ति की जिन्हें के ई इनवाइस और क्यूआर कोड नहीं बनाना है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में। इसके अलावा ई इनवाइस और क्यूआर कोड पहले 1 अप्रैल 2020 से लागू होना था, लेकिन अब इसे डेफर किया गया है, यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया गया है कि ई वॉलेट स्कीम को डेफर किया जाएगा। ई वॉलेट स्कीम अब 31 मार्च 2021 से लागू की जाएगी एक्सपोर्टर के केस में। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि इंपोर्ट किया जाता है एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी स्कीम ईओयू के द्वारा, तो उस केस में एग्जम्पशन दी गई है आईजीएसटी से और सेस से। अब ये एग्जम्पशन 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि नए सर्कुलर इशू किए जाएंगे ताकि कुछ इशू को क्लैरिफाई किया जा सके, जैसे कि यदि बिजनेस रीऑर्गेनाइज किया जाता है तो इनपुट एज क्रेडिट किस प्रकार क्लेम किया जाएगा, यदि अपील ट्रिब्यूनल नहीं बना है तो उस केस में अपील किस प्रकार फाइल की जा सकती है, रिफंड रिलेटेड इशू से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन इशू की जाएंगी सर्कुलर के द्वारा। इसके अलावा यदि कोई कॉरपोरेट डेटर है और उसका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग चलती है तो उस केस में कौन सा स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है ताकि वो जीएसटी की कंप्लायंस कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, सीजीएसटी रूल में भी अमेंडमेंट की जाएगी ताकि यदि कोई व्यक्ति कैपिटल गुड्स को पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ करता है और पार्टली एग्जम सप्लाई के लिए, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार रिवर्स करना है, या फिर यदि व्यक्ति जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड क्लेम करता है तो एक्सपोर्ट सप्लाई पर मैक्सिमम सीलिंग क्या होगी, या फिर यदि कोई व्यक्ति एक्सेस जीएसटी की पेमेंट कर देता है और रिफंड क्लेम करता है तो उसका रिफंड कैश में दिया जा सके और क्रेडिट लेजर के द्वारा दिया जा सके, इसके लिए जीएसटी रूल में अमेंडमेंट की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जितनी भी अमेंडमेंट डिस्कस की है वो सिंपल लैंग्वेज में आपके समझने के लिए इशू की है। इसके लिए सरकार के द्वारा सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जीएसटी रूल अमेंड किए जाएंगे। वो अमेंडमेंट हो जाने के बाद ही ये सभी अमेंडमेंट फोर्स में आएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आईटी रोड मैप को भी स्टडी किया गया कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सरकार को ये कदम उठाने हैं कि GSTR1 और GSTR3B को इमीडिएट बेसिस पर लिंकिंग करनी है, यानी कि GSTR1 में जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, जो GSTR3B में टैक्स पेयर अपनी टैक्स लाइबिलिटी दिखाता है उसे लिंकिंग की जाएगी। इसके बाद सरकार GSTR3B और GSTR2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है उसकी लिंकिंग करेगी और टैक्स की चोरी को रोकने के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा टैक्स पेयर का वेरिफिकेशन करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी के रेट चेंज करने के लिए भी प्रपोजल दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी के रेट 12% से बढ़ाकर 18% किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी आइटम पर जीएसटी के रेट अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी के रेट चेंज किए जाएंगे भी टाइप ऑफ मैचेस पर यानी कि हैंडमेड और अदर हैंडमेड, तो यहाँ पे जीएसटी के रेट 12% किए जाएंगे। आज की डेट में हैंडमेड मैच बॉक्स पर 5% जीएसटी के रेट है और अदर मैचेस पर 18% है, तो अब नए रेट 12% होंगे। इससे जो क्लासिफिकेशन इशू है वो नहीं रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी के रेट रिड्यूस किए जाएंगे मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विस इंस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, यहाँ पे जीएसटी के रेट रिड्यूस किए गए हैं 18% से 5% तक विद फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजन भी चेंज की गई है। B2B MRO सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ रेसिपियंट अब देखा जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। इस प्रोविजन के चेंज हो जाने के बाद डोमेस्टिक MRO सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यदि गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं तो उस केस में 5% टैक्स लगता है, जिसका कि क्रेडिट भी नहीं मिलता है। ये सभी प्रोविज़न 1 अप्रैल 2020 से लागू की जाएंगी। इसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा।
फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी? कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेम्बर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CA सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।